देखो बेटा, जो आज हम नया चैप्टर सर। शुरू कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके जी, सो चैप्टर नेम इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आप अपनी कॉपी में लिखिए हेडिंग, चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, और आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 5 है। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो हमने पता है तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो आपका +1 का लेवल है ना, तो +1 में हमने गैस पढ़ने हैं और लिक्विड पढ़ना है। लिक्विड तो बहुत थोड़ा सा है, गैस बहुत डिटेल में है। सॉलिड इज अ पार्ट ऑफ योर +2। जो सॉलिड है ना, वो +2 में पढ़ोगे आप स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट, और आपके +2 का पहले चैप्टर का नाम ही है सॉलिड, पहले चैप्टर का नाम ही है सॉलिड स्टेट। तो जब भी हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, तो देखो क्या चीज हमारे माइंड में आती है। हमारे माइंड में आता है जैसे सॉलिड है, तो जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं दे आर टाइटली पैक्ड, ये हो गया सॉलिड, ऐसे लिख देता हूँ। लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है, मतलब इसके अंदर हम मूव हो सकते हैं, सॉलिड के अंदर तो हम मूव नहीं हो सकते ना, बट लिक्विड के अंदर हम मूव हो सकते हैं। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। फिर आती है गैस की बात। गैस में तो पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, यानी फोर्स बहुत बहुत वीक होती है, और हमारी पूरी लाइफ, पता है हमारा पूरी लाइफ गैस के बीच में ही है। जैसे हम अपने रूम में हैं तो हमारे रूम में गैस है, बाहर है बाहर गैस है, हर जगह गैस की अफिनिटी है। जैसे हम एटमोसफेयर कहते हैं, तो जो हमारा एटमोसफेयर है, हमारे ऊपर कितना एयर प्रेशर है, ये सारा क्या है, गैस। तो इस चैप्टर में मेनली हमने डील करना है गैस के बारे में, और जब मैं ये बता रहा हूँ तो यहाँ पे फोर्स और अट्रैक्शन की बात आ रही है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसलिए हमारा सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो उसमें गैस की हमने मेनली बात करनी है। तो अभी हमारा जनरल टॉपिक आ रहा है, तो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, इन सबके अंदर गैसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, लिक्विड में वीक, और आपके गैसेस में इतनी वीक कि उसको ये मान लिया जाता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो देखो हमने कौन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़नी है। डिस्पर्शन फोर्सेस, ऑल्सो कॉल्ड लंदन फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, ऑल्सो कॉल्ड कीजोम फोर्सेस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसको हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग में कवर हो गया। तो ये बता रहा है टाइप ऑफ फोर्स होती है। अब मैं इन फोर्सेस को वन बाय वन आपको बताऊंगा और आप उन्हें नोट करेंगे। तो हम सबसे पहली फोर्स करने जा रहे हैं, जिस फोर्स का नाम है डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर हम इसको कहते हैं लंदन फोर्सेस। तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस किस में होती हैं? टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पास में आ जाएं, जैसे मान लो हीलियम और हीलियम पास में आ गया, या फिर हाइड्रोजन गैस पास में आ गई, तो ये दोनों नॉन पोलर हैं। तो जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पास में आते हैं तो होता क्या है, देखो समझना आप जरा ध्यान से, अलग कलर से समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक हाइड्रोजन या एक ये हीलियम है, ये और एक और हीलियम है। जब ये पास में आएंगे तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, और इनके ये लास्ट शेल में सपोज कर लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन है, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही ये और पास में आएंगे तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करने से स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा, ये न्यूक्लियस जो है, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, तो एक का न्यूक्लियस दूर हो जाएगा और एक का न्यूक्लियस इधर की तरफ हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, जो इसका न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी रिपल्शन से दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंटरली, मतलब इस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, इनके बीच में एक अट्रैक्शन बन जाएगी जो एक्चुअल में नहीं थी, बट पास आने से न्यूक्लियस न्यूक्लियस
रिपेल हो गए, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक साइड में शिफ्ट हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे साइड में शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होने से एक मोमेंटरली डायपोल बन गया। मोमेंटरली मतलब कुछ टाइम के लिए, मोमेंटरली क्या बन गया, एक डायपोल बन गया। इस अट्रैक्शन को, इस मोमेंटरली अट्रैक्शन को हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। अब देखो इसको हम कैसे बोलेंगे, बोलना कैसे चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस? तो इसका आंसर है व्हेन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, व्हेन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर ऑफ एनी मॉलिक्यूल टू नॉन पोलर कम क्लोजर, दे डेवलप मोमेंटरली अ डायपोल, दे डेवलप मोमेंटरली अ डायपोल बिकॉज न्यूक्लियस कैन अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। जैसे ही पास आएगा तो इसका न्यूक्लियस इसके नेगेटिव को खींचेगा, जिस कारण इनकी शेप में चेंज आ जाएगा। सिर्फ समझाने के लिए, एक्चुअल में कोई चेंज नहीं आता, बट पास आने से मोमेंटरली डायपोल क्रिएट हो जाता है और डायपोल क्रिएट होने से अट्रैक्शन बन जाएगी और ये बहुत वीक अट्रैक्शन होती है और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। अब एक बात सुनो ध्यान से, और देखो यहाँ पे जो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से अट्रैक्शन है? डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, सेम बात है, डायपोल डायपोल, कीजोम, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप एक चीज याद रखना यहाँ पे, जो ये फोर्सेस है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अलग कर दो, बाकी जितनी फोर्सेस बच गई इनका कॉमन नेम है वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं और वैंडरवॉल फोर्सेस का मतलब होता है एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है बट ओपोजिट चार्ज होने से या पास आने से कुछ फोर्स डेवलप हो गई, दैट इज वैंडरवॉल रेडियस, याद है ना? तो वैसा ही कुछ है वैंडरवॉल फोर्सेस। वैंडरवॉल फोर्सेस की टाइप है डायपोल अपना डिस्पर्शन, डायपोल डायपोल एंड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि लंडन फोर्सेस क्या होते हैं, तो एक बार दोबारा बताता हूँ। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो पास में आने से इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा जिससे थोड़ा सा शेप में चेंज आ जाएगा मोमेंटरली, इसके कारण यहाँ पे बन जाएगा डायपोल और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे जब तक पास में रहेंगे, कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। अब आता है हमारा सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप का नाम है डायपोल डायपोल फोर्स और कीजोम फोर्स। तो कीजोम फोर्स बोल दो या आप डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो। अब ये क्या होता है, देखो मान लो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक और पोलर मॉलिक्यूल है। तो जब दो पोलर मॉलिक्यूल पास में आते हैं तो ओपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है, एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है बट पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण दो पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ नॉन पोलर में था और यहाँ पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि डायपोल मतलब पोलर, डायपोल तो पोलर में ही बनेगा। तो जब दो पोलर मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो ओपोजिट चार्ज होने के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया होगा, तो अभी थोड़ी देर में सुनूंगा, इससे पहले अब एक और मैं फोर्स समझा दूं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अब आप इसे भी समझो जरा ध्यान से, जो अब मैं समझा रहा हूं इसका नाम है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। ये थर्ड टाइप है वैंडरवॉल की, दिस इज कॉल्ड थर्ड टाइप, डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। अब देखो डायपोल इंड्यूस डायपोल क्या होता है, इसको ना पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों की। मान लो एक अच्छा बच्चा है और एक खराब बच्चा है, अच्छे बच्चे को ए बोल देते हैं, खराब बच्चे को के बोल देते हैं, इन दोनों की दोस्ती हो गई। अब इन दोनों की जब दोस्ती हो जाएगी तो अच्छे बच्चे के असर से हो सकता है खराब बच्चा अच्छा हो जाए, तो उसको बोलेंगे अच्छा इंड्यूस्ड अच्छा, है ना, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अच्छा इसका उल्टा भी हो सकता है, हो सकता है खराब बच्चे से दोस्ती के कारण अच्छा बच्चा खराब बन जाए, खराब इंड्यूस्ड खराब, ऐसे खराब इंड्यूस्ड खराब, मतलब जैसी हमारी संगति होती है उसका असर आ जाता है हमारे ऊपर, तो उसे कहते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। मतलब क्या है कहने का,
कहने का मतलब है अगर किसी डायपोलर मॉलिक्यूल की, मान लो कोई पोलर मॉलिक्यूल है, किसी पोलर मॉलिक्यूल की नॉन पोलर मॉलिक्यूल से दोस्ती हो जाए, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर में चार्ज जो है ऐसे रहता है, नॉन पोलर। अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल की दोस्ती नॉन पोलर से हो जाए तो जब पोलर नॉन पोलर के पास में आएगा तो इसके पास में आने के कारण क्या होगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव थोड़ा पास में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके दूसरी साइड शिफ्ट शिफ्ट कर देगा, मतलब जैसे मोमेंटली डायपोल बनता है दूसरी साइड शिफ्ट कर देगा, जैसे ही शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी मोमेंटली, इस अट्रैक्शन को कहते हैं डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। मतलब एक डायपोल अगर एक नॉन पोलर के पास में आया तो उसके असर से इसके अंदर भी डायपोल बन गया, टेम्पररी डायपोल बन गया, जिस कारण ये अट्रैक्ट हो गए और इनका नाम पड़ गया डायपोल इंड्यूस डायपोल। अब पेपर में ना बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, देखो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ आपको आइडिया के लिए, जैसे एग्जाम्पल 1 पेपर में आ गया, भाई हीलियम हीलियम में बताओ कौन सा फोर्स होगा, कौन सी इंट्रैक्शन होती है, तो हीलियम भी नॉन पोलर है, हीलियम भी नॉन पोलर है, यानी लंदन फोर्सेस, इसका आंसर आएगा लंदन फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन और HCl में कौन सी फोर्स होगी, अब हाइड्रोजन आपका नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर के पास में आ गया तो डायपोल इंड्यूस डायपोल। नंबर थ्री आ गया कि आपके आपको दे देंगे CO2 एंड CO2, बताओ CO2 CO2 में कौन सी फोर्स होगी, तो CO2 भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो दो नॉन पोलर में, क्योंकि इसका डायपोल जीरो होता है, डायपोल जीरो होता है ना, तो दो नॉन पोलर में लंदन फोर्सेस, यानी पहले वाले के साथ मैचिंग। तीसरे केस की एग्जांपल देखो, तीसरे केस की एग्जांपल ये रही हाइड्रोजन और HCl, कौन सा केस रह गया, ये हमारा डायपोल डायपोल, तो डायपोल डायपोल तो आपको पता चल ही जाएगा, जैसे किसी HCl की किसी HF से दे दें तो दोनों डायपोल हैं, तो वो तो आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो इस तरह से इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेटा आप लिख लीजिए अब साथ के साथ, एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अब आप जरा ध्यान से सुनिए, फिर नोट करके थ्योरी भी लिखेंगे, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दी लिखो। नंबर 1, सबसे पहले हम कर रहे हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में कैसी कैसी फोर्स हो सकती है, तो हम मेनली वैंडरवॉल टाइप पढ़ रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये तो हमने पढ़ लिया है, हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ लिया है, इसके अलावा एक एडिशनल फोर्स है जो वीक फोर्स है जिसका नाम है वैंडरवॉल। तो वैंडरवॉल की 4 टाइप्स हैं, हमारे सिलेबस में 3 है, चौथी टाइप में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आयन इंड्यूस आयन, और आयन आयन वाला, मान लो एक आयन है वो किसी के पास में आ जाए, फोर्थ फोर्थ मैं आपको जो बता रहा हूँ, जरा इसे आप ट्राई करना और नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ डिस्कस करना। फोर्थ टाइप का नाम है कि कोई आयन किसी पोलर के पास आ जाए तो क्या होगा, ठीक है, कोई आयन किसी पोलर के पास आ जाए तो लो पहली टाइप का नाम सुनो, क्या है पहली टाइप का नाम, पहली टाइप का नाम है लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। दिस फोर्स अकर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स व्हेन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर बिकॉज ऑफ देयर इंट्रैक्शन रिपल्शन और अट्रैक्शन दे डेवलप अ डायपोल, टेम्पररी डायपोल मोमेंटरली, एज अ रिजल्ट दे गेट अट्रैक्टेड एंड सच अट्रैक्शन इज कॉल्ड लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। फिर आता है हमारा डायपोल डायपोल फोर्स और कीजोम फोर्सेस, व्हेन टू डायपोल्स कम क्लोजर बिकॉज ऑफ देयर ऑपोजिट चार्ज दे अट्रैक्ट ईच अदर, इसे हम कहते हैं कीजोम फोर्सेस। फिर आता है हमारे पास डायपोल इंड्यूस डायपोल, तो अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर के पास आ जाए तो पोलर के कारण इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन होगी, जिस कारण ये भी पोलर बन जाएगा और एक टेम्पररी अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, उसे बोलेंगे डायपोल इंड्यूस डायपोल। और एक टाइप मैंने होमवर्क में दिया जो सिलेबस में नहीं है, इसको भी मैं बता देता हूँ, एक बार पढ़ लेना एक्स्ट्रा बुक होगी तो। देखो आयन एंड पोलर, मान लो एक आयन है और एक पोलर मॉलिक्यूल है, अगर ये आयन पॉजिटिव वाला है तो पोलर के नेगेटिव टर्मिनल को अपनी तरफ खींच लेगा, अगर ये आयन पॉजिटिव वाला है तो पोलर के नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव वाला है तो पोलर के पॉजिटिव को खींचेगा, पॉजिटिव वाला है तो पोलर के नेगेटिव को खींचेगा, तो एक और एडिशनल इंट्रैक्शन बन जाएगी जो वैंडरवॉल का पार्ट नहीं है, वो वैंडरवॉल का पार्ट नहीं है, वो बेसिकली आयनिक पार्ट है। तो ये मैंने आपको बता भी दिया और मैंने बोला एक बार आप इसे पढ़ लेना, नाउ आप इसे नोट कर लें।
कर लेना। देखो अब मैं यहाँ पे आयन और पोलर का दोबारा बता रहा हूँ, और मैंने होमवर्क भी दिया आपको पढ़ने के लिए। मान लो ये पॉजिटिव आयन है, मैं यहाँ पे ना करके बता देता हूँ ताकि आप समझ पाए। मान लो आपके पास है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, तो एक पॉजिटिव आयन पोलर जैसे वाटर है, तो वाटर में ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉजिटिव इस वाटर के हाइड्रोजन को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसे कहते हैं आयन एंड पोलर इंट्रैक्शन। जब एक आयन किसी पोलर मॉलिक्यूल के पास आए तो वो अपने ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसे कहते हैं पोलर आयन एंड पोलर इंट्रैक्शन, आयन एंड डायपोल इंट्रैक्शन, आयन एंड डायपोल इंट्रैक्शन। अगर ये नेगेटिव होता तो सीधा एच को खींच लेता, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को खींचेगा, यानी ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी, ऑक्सीजन पास में आ जाएगा, हाइड्रोजन दूर दूर हो जाएंगे। तो आयन पोलर इंट्रैक्शन क्या होता, आयन डायपोल इंट्रैक्शन, आयन डायपोल इंट्रैक्शन मीन्स आयन्स अट्रैक्ट ऑपोजिट चार्जेस फ्रॉम अ डायपोल मॉलिक्यूल, फ्रॉम अ पोलर मॉलिक्यूल, कॉल्ड आयन डायपोल इंट्रैक्शंस। तो ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, मैंने फिर भी आपको ये बता दिया, आप एक्स्ट्रा बुक से इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये था हमारा वैंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोजन वैंडरवॉल फोर्सेस में नहीं आता, वो अलग से टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है इन केमिकल बॉन्डिंग। अब हम बॉन्डिंग चलते हैं आगे, एक मिनट और, आगे चलने से पहले मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, दैट पॉइंट्स वी शुड लर्न, कुछ एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हैं, वो क्या है, जस्ट सी एंड कीप इन माइंड फॉर कॉम्पिटिशन ओनली। दीज फोर्सेज आर, लंडन फोर्सेज की बात हो रही है, आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंट्रैक्शन बिटवीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिक्स पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इंट्रैक्टिंग पार्टिकल्स। एक एक्सपेरिमेंटल पोर्शन है जो आपके एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकते हैं कि जो डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं उनकी इंट्रैक्शन को कैसे मेजर कर रहे हैं ये, तो ये है 1/r की सिक्स पावर, वेयर आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड दीज फोर्सेस आर इम्पॉर्टेंट ओनली एट शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब जब पास में आएंगे, एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं होती, बट ये बहुत पास में आ जाएं तो इंट्रैक्शन हो जाती है। सो अप्रोक्सीमेटली कितना कितना पास, 500 पिकोमीटर, एंड देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन पोलराइजेबिलिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब कितनी पोलराइजेशन हुई है वो। तो इसमें आपको मेनली क्या याद रखना है, जो डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं उनकी इंट्रैक्शन को कैसे मेजर करते हैं, कि इंट्रैक्शन इज इक्वल टू 1/r^6, r^6, तो जस्ट कीप इन माइंड, नथिंग एल्स। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन से, इसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जरा समझो ध्यान से। डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस, एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल एज इन सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। देखो डिस्पर्जन में था 1/r^6, डायपोल डायपोल स्टेशनरी की बात कर रहा है, अगर वो स्टेशनरी हो तो कितना आएगा, 1/r³, एंड दैट बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स। रोटेटिंग मतलब अगर पोलर मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट भी हो रही है फिर उसकी वैल्यू उतनी आ जाती है, 1/r^6। तो ये आपने याद रखना है, जस्ट डोंट वरी, जस्ट कीप इन माइंड, कुछ नहीं है, भूल भी जाओगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, बिसाइड डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन इंट्रैक्ट बाय लंडन फोर्सेज एज वेल, दस द क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज दैट द टोटल इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन पोलर मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो यहाँ पे जो बता रहा है, एक तो वैल्यू बता रहा है डिस्टेंस की, और बता रहा है कि अगर ये दोनों इफेक्ट एक साथ हो जाएं, मान लो एक पोलर नॉन पोलर साथ में आ जाएं, पोलर पोलर इंट्रैक्शन भी होगी, नॉन पोलर पोलर इंट्रैक्शन भी होगी, तो वो सारे इफेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो हमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिलेगा, टोटल इफेक्ट। तो ये जो बताया है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे बस ये पावर की वैल्यू याद रखना, भूल भी जाओगे तो बेटा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, इजी टॉपिक है अब हमारा। तो इसमें जो हमने पढ़ा ना, ये वैंडरवॉल फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें पेपर में आज तक डेफिनेशन नहीं आई, बट ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि आंसर द फॉलोइंग करके, आंसर द फॉलोइंग बोलेंगे कि बताओ हीलियम हीलियम के अंदर कौन सी अट्रैक्शन होगी, या दो HCl में कौन सी अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन और HCl में कौन सी होगी, दो CO2 पास में आ जाए तो कौन सी होगी। तो आप केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट लगाओ, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, तो दो नॉन पोलर लंडन फोर्सेस, पोलर नॉन पोलर अपना डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, और अपना नॉन पोलर लंडन फोर्सेस। तो इस तरह से आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन कर सकते हैं अगर याद है तो याद करना जरूरी है। अब आता है हमारा थर्मल एनर्जी, फिर आता है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट से। अब देखो क्या होता है,
थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल्स. जैसे हमारी बॉडी है, जैसे मान लो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में क्या है, ब्लड रेगुलरली फ्लो हो रहा है. ब्लड फ्लो होने के कारण हमारी बॉडी में हीट बनी रहती है. जब कोई पर्सन मर जाता है तो ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो ब्लड फ्लो रुकने के कारण बॉडी की हीट कम हो जाती है, यानी बॉडी ठंडी हो जाती है. तो वही चीज है कि हमारे बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, जब तक हिल रहे हैं तो हिलने से एनर्जी बनती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, थर्मल एनर्जी. इसी तरह से सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं. वाइब्रेट करने से जो एनर्जी बनती है उसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी. अगर हम हीट दे दें तो ये वाइब्रेट थोड़ा ज्यादा करेंगे. तो लो मैं पढ़ रहा हूँ, जरा समझो. थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ द एटम्स. मतलब जैसे मैंने ह्यूमन की एग्जाम्पल दी, ऐसे ही एटम वाइब्रेट करते हैं. और मॉलिक्यूल्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, कम होगा तो कम वाइब्रेट करेंगे. इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर एंड दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड थर्मल मोशन. जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को अगर मैं हीट कर दूं तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बॉन्ड टूट जाएगा, तो वो सॉलिड से बन जाएगा लिक्विड. अब मैं लिक्विड को हीट कर दूं तो जो और इंटरेक्शन है वो भी टूट जाएगी. तो ये थर्मल इफेक्ट है. ये किस चीज का इफेक्ट है, थर्मल इफेक्ट. यानी हीट बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस वीक हो जाती हैं. जैसे आप मान लो आप सर्दियों में हीटर के पास बैठे हो तो थोड़ी देर को आपकी बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी करेगी. अब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं जल जाऊंगा अगर मैं ज्यादा देर बैठा, तो आप पीछे हो जाते हो. यानी आपकी बॉडी में थर्मल एनर्जी ज्यादा हो गई और रुकोगे तो जल जाओगे. तो अब देखो, अब ये दो चीज का कंपैरिजन कह रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल एनर्जी. अब देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखो जरा ध्यान से. जो हमारा गैस होता है, गैस में फोर्स बहुत वीक होती है, लिक्विड में थोड़ी स्ट्रांग होती है, और सॉलिड में तो बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है. तो ये कह रहा है प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. मतलब अगर आप गैस को ठंडा करो तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, थर्मल एनर्जी पास आ जाएंगे. और ठंडा करो, फ्रिज में डाल दो लिक्विड को, तो वो बर्फ बन जाएगी. यानी क्या होता है, फ्रिज क्या करता है, उसको इतना ठंडा कर देता है कि इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है और ये सॉलिड हो जाते हैं. अब आप क्या करो, फ्रिज से बाहर निकाल दो, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो थर्मल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पार्टिकल्स दूर होने शुरू हो जाएंगे, और दूर, इतने दूर कि बॉन्ड बहुत वीक हो जाएंगे और वो गैसियस स्टेट में और वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा. तो इस पैराग्राफ में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा कि थर्मल एनर्जी आपका हीट से रिलेटेड है. अगर किसी बॉडी को की स्टेट चेंज करनी है तो थर्मल एनर्जी बढ़ा दो, और अगर आप चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज ना करे तो उसकी अट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग हो कि थर्मल एनर्जी का असर ना पड़े. जैसे पत्थर है, पत्थर को आप हीट करो, पत्थर को हीट करोगे तो वो मेल्ट होएगा ही नहीं, उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई, तब जाके कहीं मेल्ट होगा. यानी पत्थर के अंदर जो ये वाली फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, बहुत स्ट्रांग है. बट आइस ले लो, आइस को आप रख दो निकाल के फ्रिज से बाहर, तो वो अपने आप ही मेल्ट होना शुरू जाता है. मतलब आइस को रूम टेम्परेचर होता है जो हमारे एटमोसफेयर का टेम्परेचर है, यानी एटमोसफेयर का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है आइस के लिए कि उसको मेल्ट करके लिक्विड में चेंज कर देता है. तो यहाँ पे सिर्फ एक कंपैरिजन बताया है कि अगर आप चाहते हो स्टेट चेंज करना तो आपको टेम्परेचर घटाना और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा. जैसे सॉलिड है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है, तो मैं इसकी अगर स्टेट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको इतना टेम्परेचर दूं कि इसका जो बॉन्ड है वो टूट जाए. टूटेगा तभी आगे जाएगा ना, तो यही है. तो इसी को उसने कंपैरिजन में बोल दिया, इंटरमोलिकुलर वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन. यानी अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो थर्मल एनर्जी ज्यादा लगेगी उसकी स्टेट चेंज करने में, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो थर्मल एनर्जी कम लगेगी उसकी स्टेट चेंज करने में. एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, जरा समझना यहीं पे साथ में. जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको हीट दी, थोड़ी हीट दी और ये मेल्ट हो गया. थोड़ी हीट देने पे मेल्ट हो गया. जैसे मान लो ग्लास है, तो ग्लास ऐसा ही होता है, उसको आप हीट दो थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगा. यानी इसके अंदर फोर्स और अट्रैक्शन क्या है, क्या है, वीक है. फोर्स और अट्रैक्शन वीक है, यानी ये फोर्स वीक है तो हीट देने से स्टेट चेंज हो गई. अब मान लो ये आपका आयरन है, हीट करो, आप देते जाओ हीट, ये मेल्ट ही नहीं होगा, गुड कंडक्टर है. यानी इसके अंदर हीट का असर नहीं आ रहा क्योंकि इसकी खुद की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी इन केस ऑफ मेटल. अगर ग्लास की जगह ये मेटल हो तो अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, हीट दोगे
तो वो हीट इस फोर्सेस को तोड़ नहीं पाती जल्दी, इसलिए वो अपनी स्टेट जल्दी चेंज नहीं करेगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे जाएगा। तो अगर मैं इन्हें एक लाइन में कंक्लूड करूं तो ये है इसका एक बेसिक मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, और टेम्परेचर घटाऊंगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी। यानी इनका आपस में क्या रिलेशन आया, क्या रिलेशन आया हर्षिता आपस में, अगर हम इनका रिलेशन बनाए तो क्या रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी थर्मल एनर्जी है TE, थर्मल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। शॉर्ट में लिख दिया, मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी, स्टेट चेंज हो जाएंगी, और अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगी, दे आर मोस्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल।